हमेशा यहाँ पर वाइब अच्छी लगती है। एक चीज सब पसंद आ गई वो नहीं ले रहा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो ये वाला व्लॉग जैसा कि मैंने अभी पोस्ट डाली है कि एक बार डिलीट करने के बाद फिर से मुझे अपलोड करना पड़ रहा है, क्योंकि पता नहीं मैं क्या कर रही थी तो वो डिलीट हो गया और मैंने सारी क्लिप्स अपने फ़ोन में से भी डिलीट कर दी थी। तो वो तो थोड़ी बहुत क्लिप्स थी जो जीशो के पास थी तो मैंने इनसे ले ली और बाकी सब एडिट करके मैंने जैसे तैसे व्लॉग डाला है। इस व्लॉग को इन्जॉय करें आप लोग। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो फिलहाल मैं आया हूँ इस वक्त अपनी वाइफ को शॉपिंग कराने, क्योंकि उनसे प्रॉमिस किया था तो उनको डीवी सिटी मॉल में शॉपिंग करा रहा हूँ और देखते हैं क्या क्या खरीदती है। सो गाइस, मैं शॉपिंग तो कर चुका हूँ लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ शायद मुझे कुछ पसंद आया तो ट्राई मारा हूँ। बाकी एक रगी और अम्मी की शॉपिंग तो मैं कर चुका हूँ। हाँ, यहाँ से मैं पापा की जिम से लिया करता था लेकिन पापा मुझे बहुत राउंड लगवा देते। डार्क ब्लैक में नहीं मिल रही है, ब्लैक लूंगा। सर की शॉपिंग चल रही, शॉपिंग इनटू हेल्थ। ये अच्छी लग रही है, आप लिए क्यों नहीं ले रहे? देखो एक चीज सब पसंद आ गई वो नहीं ले रहा। वापस सर वो येलो ले लिया आप। सही में येलो नहीं ले रहा हम, बस देखो पेन तो नहीं है ना। ले वो तो हम ले लेंगे। फिलहाल हम लोग की अब शॉपिंग ख़त्म हो चुकी है और अब हम लोग मैं वॉशरूम ढूंढ रहा हूँ। मुझे बहुत लग रहा है कि बाथरूम वॉशरूम जाना चाहिए और मैं जल्दी से मकतब को जाऊँगा। ऑलमोस्ट शॉपिंग इज डन, वी आर गोइंग होम राइट नाउ। इन लोगों की शॉपिंग हो चुकी है अम्मी की और एकरा की। हमेशा यहाँ पर वाइफ अच्छी लगती है डीवी सिटी। तो आज संडे था, शॉपिंग हो चुकी है और अब मैं इनको लेके जा रहा हूँ इनके घर पे। वहाँ थोड़ी देर उनके मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करना है, उसके बाद थोड़ा वापस आना है और मुझे दुकान जल्दी से भगना है क्योंकि जैन नहीं है, अम्मी नहीं है और आज़म भी नहीं है, तो मुझे जल्दी से दुकान जाना पड़ेगा। तो देखते हैं अब क्या होता है इसके बाद। स्टे ट्यून, मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। कटलरी सोफे प्रिटी लग रहा है ना। ये आईकिया टाइप बना है डेकोर है। हाँ ये ग्रे कह रही थी मैं आपसे। नकली पनीर टिक्का और किसी को नहीं है सर। वॉच लेना, वॉच जी का डिफरेंट। हाँ डिफरेंट किससे अगर उसके बाद नौरीन का बर्थडे था तो बस उसके बाद वो बर्थडे सेलिब्रेट और उसकी भी सारी क्लिप्स मेरे पास से डिलीट हो गई तो बस दो तीन बची। हैप्पी बर्थडे नौरीन, जरा मैं पापा को अल्लाह हाफिज़।
दिखा चल अब जो है हमारा वाई फाई लगने वाला है तो उसके सेटअप करने के लिए अभी आए है कोई लोग कोई आया है तब वो पूरा सेटअप करेंगे और यहाँ से जा रहे हैं जीशो उनको पिकअप करने और यहाँ पूरा काम धाम धाम सब हो गया बोल बोल लग गया कैमरा हटा कर क्या हुआ मामा क्या कर हमने क्लब गया क्लब गया तुम क्लब गया बिल्ले यो गाइस फिलहाल मैं बहुत बिजी हूँ ब्रॉडबैंड वाईफाई एयरटेल का लगवा रहा हूँ और सब और है क्या ऐसा लग रहा है ऊपर पतंग उड़ा रहा है आप हाँ हो जाएगा भूत है गाड़ी हो जाएगा लेकिन ये तो काला काला दिखेगा फिर पूरे में फिटिंग करवा दूंगा आज से मिनी का नाम मोमो है और मोमो में लाभ मिली फाइनली होगा तो अस्सलाम वालेकुम आज वाईफाई लगवाना था क्योंकि इखरा को नेट की ज़रूरत पड़ती है और फिर नेट नहीं मिल पाता तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती तो उसके लिए वाईफाई लगा दिया और फिलहाल मैं अब अगली कल जैसा कि आप लोगों को मालूम है डीबी मॉल गया था तो इखरा के साथ साथ मैंने अम्मी के लिए भी कुछ लिया तो बस अब मैं आज अपनी बाइक उठा के जा रहा हूँ वो भी बहुत दिनों से चली नहीं है और फिर मैं अम्मा को ये प्रेजेंट दूँगा जो उनके लिए लाया हूँ आई होप उनको पसंद आएगा इंशाल्लाह और बस वाईफाई लग चुका है और अब मैं तो शॉप जाऊंगा अम्मा आ चुकी हैं इंदौर से और अब मैं फ़िलहाल उनसे मिलूंगा अपनी बाइक उठा रहा हूं मैं और अब हाल फिलहाल जाऊंगा और अम्मा के लिए जो लाया हूं वो उनको दूंगा और उनकी दुआएं लूंगा फिलहाल मेरी बाइक खड़ी हुई है और राइड बहुत दिनों से चला ही नहीं जा रहा हूँ उसको लेके थोड़ा सा घूम फिर के आता हूँ उसके साथ